करवाना है एकदम मस्त, मजा आ रहा है झरना देख के। चलो 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 आगे बढ़ो। रास्ता जो है मैं आपको बता नहीं सकता, ये एडवेंचरस से कम नहीं है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइज वहाँ से निकल चुके हम लोग अभी रॉक गार्डन के लिए, बट ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि गाइज जो वेदर है ना अभी देख सकते एकदम बादलों के बीचों बीच हम लोग निकल रहे हैं। ये पूरा ऊपर बादल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से, मैं सोचा आप सभी को दिखाता चलूँ। वाह, मौसम आज भी शांत दिया है हम लोग का, थोड़ा सा फॉग है नीचे की तरफ और पीछे मम्मी पापा जी निशा मनीषा सभी लोग हैं। तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से रॉक गार्डन के लिए जो बहुत ही खूबसूरत है, तो मज़ा आएगा आप लोग को भी, देखिएगा पूरे ब्लॉग को बिना स्किप के देखिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आप सभी को दिखाने वाला हूँ। वाओ, कुछ नज़र आ रहा है, ये सब बादल है और हम लोग बादल के भी ऊपर हैं, सोच सकते हो। का मुझे लग रहा है कि रॉक गार्डन कैसा होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन रास्ता जो है मैं आपको बता नहीं सकता, ये एडवेंचरस से कम नहीं है और बहुत लोगों से तो ये चल भी नहीं सकता इस रूट में। एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ पूरा एकदम। फाइनली पहुंच चुके हम लोग रॉक गार्डन और सबसे पहले यहां पे होगा टिकट काउंटर, तो लेना है टिकट। ये घुस चुके हैं, वाह घुसते ही क्या नज़ारा है, ओ भाई साहब फाउंटेन, ओहो वाह बहुत खूबसूरत। इनका भी फोटो शूट करवाना है एकदम मस्त, मजा आ रहा है झरना देख के। चलो 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 आगे बढ़ो। अभी गाइस बहुत बड़ा है रॉक गार्डन, बहुत समय भी लगेगा, आ जाओ। पापा मम्मी जी सभी लोग आगे चले गए हैं, इतना तेज साउंड है मतलब नहाने का मन कर रहा है मेरा, क्या ही बताऊं। वाओ पूरा ऊपर से आ रहा है पानी, नाना पानी है ऊपर जाने की क्या, और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा है एक व्लॉग यहीं कंप्लीट हो जाएगा हमारा। लेकिन आपको सब कुछ दिखाएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे। और टिकट जो था वो मैंने टिकट लिया, तो मैं बता रहा हूँ 20 रुपीज का था टिकट, क्योंकि गाइड करें आप लोग को, आप भी घूमने आए, आप जब भी आओ तो आपको दो दिन में आप लोग आराम से घूम सकते हो, घूम सकते हो बहुत अच्छे से घूम सकते हो दार्जिलिंग के लिए। वाह प्यारा से बाबू थोड़ा से जाए हम भी जाए, हमको ये आज किसी को जाने नहीं देगी। कह रहे किसी को नहीं जाना, बट गाइस पता है सच बताओ व्यू कैसा लगा जब हम लोग आ रहे थे रॉक गार्डन? आने वाला व्यू तो मस्त दार्जिलिंग, मतलब पता है गाइस सच बताओ ना पूरे दार्जिलिंग में हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह गए देखे, बट सच बताओ कि जो रॉक गार्डन आने का जो रास्ता है उस रास्ते को अगर आप देख लोगे ना तो जन्नत से कम नहीं है वो, क्या इतना मजा आया हम लोगों को। 3-4 पहाड़ दिखेंगे सब पे लोग रहते हैं, ये है सब पीक पॉइंट। मतलब हम लोग शिमला मनाली भी गए हैं, बहुत बार गए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है ना कि इतना ज्यादा एरिया में नहीं है, मतलब लोगों का डेंसिटी नहीं है, पे लोग बसे हुए एक हाँ। दो पहाड़ पे, फिर यहाँ हर पहाड़ पे जो आपको जहाँ नजर दौड़ाओगे वहाँ घर है। तो पता नहीं वैसे हम लोग ठंडा के टाइम में गए हुए थे, नहीं नहीं वैसे वहाँ उतना नहीं है, उतना नहीं है, मैंने देखा है इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, और यहाँ पे जो रस है वो अलग लेवल का है भाई। हम लोग सोचे अभी खाली होगा क्योंकि ऑफ सीजन है, इस समय पे कोई नहीं जाता क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन भीड़ ही भीड़ है। हाँ मैं बोला था ना, और हम लोग लकी हैं कि आज वेदर साथ दिया हम लोग का भाई, दो दिन साथ दिया। हाँ चलो चला जाए, तो अभी हम लोग वहाँ से आए थे, वो एंट्रेंस था
नहीं नहीं अभी नीचे का दिखा रहा हूँ, वहाँ से एंट्रेंस था और ऊपर आ गए, अभी और जाना है हम लोग को। वाह, ये पता है एक गाइस चंडीगढ़ में भी है रॉक गार्डन, लेकिन वो एक तरह से कुछ ना कुछ उसमें आर्टिफिशियल चीजें बनाई है, इतना पानी का शोर है, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये जो रॉक गार्डन है ना, ये पूरा नेचुरली रॉक गार्डन है ये। वाह, मन कर रहा हाथ पांव धो ले थोड़ा सा, हमको तो नहाने का मन कर रहा है कसम से, फाउंटेन देखते ही मेरे अंदर क्या ही बताऊं मैं। नाना नानी का फोटो शूट चल रहा है तितली के साथ, अरे वाह वाह वाह। गाइस देख लो, पहले हमको लगता था कि इतना खुरपाती ये है, इसके पीछे का राज देख लो, माता जी को देख लो, हमारी सासू माँ को। याहू कर रही है मम्मी, देख रही हो, चली गई उधर। वाह, किसी को मांग रही है। यहाँ पे हम और तितली बैठे हुए मस्त इधर में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी का शोर है। तितली भी मस्त इधर में एंजॉय कर रही है। देखिए क्या खतरनाक झरना है भाई, और इसका साउंड सुन लीजिए आप। वाओ, और इसी में हमारी डेयरी की दीदी को देख लीजिए। ओ भाई ओ, जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो, अरे गिर जाओगी, बाहर आ जाओ। भाई तनको नहीं डरती हो यार तुम तो, मजा आता है कितना पानी। वाओ, ये देख लो तितली को कितना मजा आ रहा है पानी में बेटा, वो देखो झरना है। गाइस जोर से बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतना शोर है पानी का ही। वाह वाह वाह, देखो सच में तितली को आज हाथी राजा पे बैठा दी है नाना इसके। ये तितली, ये दादा, तो डर लग रहा है। फाइनली वक्त हो चुका है अब विदा होने का इस खूबसूरत से जगह से। क्या जी, मजा आया? बहुत मजा आया, तितली सबसे ज्यादा एंजॉय की, लास्ट मोमेंट में एकदम हमारी बिटिया रानी पानी में चॉप 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 करने लगी, इधर इसकी मासी हो गई, तब भी मजा आया, लास्ट में तो अभी पानी में चली गई थी। आप लोग ऊपर कैसे चले गए पानी में? अरे भाई बोर हो रही थी, तो भाई मेरे बिना ये बोर हो रही थी। ए, 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 गंदी चीज फेंक दो। नानी कहाँ गई? पता नहीं। तो गाइस रॉक गार्डन घूमने के बाद अब बारी है गर्मा गर्म खाना खाने की। तितली देख सकते हो इधर, ये भी मस्त शाकाहारी खाना, चावल दाल भुजिया गर्मा गर्म एकदम खाए जा रहे हैं लोग। बहुत जोर भूख लग गई। हाँ क्या टिटलू मम्मा? हाँ इधर भी ये लोग सब कुछ खा ही रहा है, मस्त एकदम पापड़ एकदम खाना। तितली को खाना इधर मैं बना के अभी खिलाऊंगी, और मेरे को खाने का मन नहीं, मैं सोच रही फास्ट फूड ही कुछ कुछ खाऊंगी, मोमो वगैरह देखती है ना।